हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑक्सफोर्ड स्टडी चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स क्लास को एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैं आज क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 में देखो क्या क्या रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स दिया है के एक्स स्क्वायर यदि एक्स इज लेस देन इक्वल टू एंड थ्री जब एक्स इज ग्रेटर देन टू द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर दो पर है। ठीक है, तो देखना दोस्त, इसमें क्या करना है कि जो आपको मैंने कल ही बता दिया था क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा था कि के की वैल्यू ज्ञात करनी है 26 से 29 तक के। ठीक है, तो के यहाँ पर है तो के वही के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कि आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर दें वीडियोज़ को, और अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्त, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। बहुत ही आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराए हैं। ठीक है, तो देखना दोस्त, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं एल एच लेते हैं, आर एच लेते हैं, फिर फंक्शन चेक करते हैं। ठीक है, तो देखना उसी तरह से सबसे पहले हम ले लेंगे एल एच एल, तो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट हो जाएगा एक्स टाइम्स टू टू माइनस, यहाँ पर चाहे तो लिख लेना एक्स बराबर दो पर। ठीक है, बिंदु आपको कौन सा दिया गया है, दो। ठीक है, यहाँ भी लिख दिया गया एक्स बराबर दो पर, तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, आगे जब देखेंगे तो लिमिट एच टाइम्स टू जीरो और एफ ऑफ टू दिया गया तो टू माइनस का एच हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स की वैल्यू दो से कम है कहाँ, देखो एक्स की वैल्यू दो से कम या दो से बराबर तो यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो लिमिट हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और के तो रहेगा क्योंकि के की वैल्यू ही फाइंड करनी है, और अगर क्या है कि एक्स स्क्वायर है तो टू माइनस एच का होल स्क्वायर रख देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या करेंगे, देखो लिमिट हो जाएगा एच टेंड्स टू जीरो, अगर के है तो के रहेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो ए स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर प्लस बी स्क्वायर एच का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू ए बी। ठीक है, टू ए बी तो फोर एच, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब चाहे के अंदर मल्टीप्लाई कराओ, चाहे पहले ही के की वैल्यू रख दो, उसके कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम पहले ही के की वैल्यू पुटअप करेंगे तो सॉरी एच की वैल्यू पुटअप करेंगे, एच की वैल्यू पुटअप करेंगे तो के तो बाहर है आपका हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लें लिमिट तो हट जाएगा। ठीक है, तो के हो जाएगा और जब एच की वैल्यू पुटअप करेंगे तो फोर रहेगा और जीरो, देखो यहाँ पर एच का स्क्वायर तो जीरो का स्क्वायर और माइनस का फोर इंटू में जीरो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखो अब ये दोनों तो खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल और केवल आपका के इंटू में फोर, तो इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं फोर के, कोई दिक्कत नहीं। तो एल एच एल आया फोर के, आर एच एल देखते हैं, जब आर एच एल देखेंगे तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू टू प्लस एफ ऑफ एक्स, आगे लिख लेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ टू प्लस का एच। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक्स की वैल्यू दो से बड़ी, देखो दो से बड़ी कांस्टेंट टर्म है थ्री, तो आगे डायरेक्ट टॉपिक देना थ्री, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं फंक्शन पर भी, किस पर, एफ ऑफ कौन सा दो पर, तो एक्स बराबर दो है कहाँ, देखो एक्स बराबर दो यहाँ पर है तो यहाँ पर लिखेंगे तो के हो जाएगा और एक्स की जगह दो रखेंगे तो दो का स्क्वायर तो आपका आ जाएगा फोर के। तो यहाँ पर आपने देखा क्या हो जाएगा आगे कि एल एच एल और फंक्शन बराबर है, केवल केवल आर एच एल डिफरेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा फोर के इज इक्वल्स टू थ्री, तो के इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा थ्री बाई फोर, तो यही आपकी के की वैल्यू हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया दोस्तों का शेयर करना। इसके बाद दोस्तों आपको जो 28 एंड 29, ठीक है, ये दो क्वेश्चंस जो हैं 28 एंड 29, ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम इसी प्रोसेस से लगाए जाएंगे, तो आप इसको घर पे ट्राई करना, लगाना। ठीक है, तो ये आपके लिए डू योर सेल्फ रहेगा। अच्छा, क्यों इसको मैं दे देता हूँ कि आपको करने के लिए, बिकॉज दोस्तों अब टाइम बहुत कम है तो सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपको कोर्स भी कंप्लीट कराना है। ठीक है, तो बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चंस देता रहूँगा जो सेम 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 प्रकार के हैं, तो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29 आप प्रैक्टिस करना, 30 नंबर क्वेश्चन में बताता हूँ। देखा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 से क्या कह रहा है कि ए और बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि एफ ऑफ एक्स जो है वो 5 यदि एक्स इज लेस देन 2 ए एक्स प्लस बी एक्स इज, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन टू एंड लेस देन 10 और 21 है एक्स एक्स यदि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 10। ठीक है, कह रहा है कि द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपने लगाए हैं तो इस पर आप टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करिए। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या करना है, केवल दिमाग लगाना, क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखना कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले आप क्या करते थे, या तो आप फंक्शन चेक करते थे, देखो यहाँ पर कहना क्या चाहता है। ठीक है, फंक्शन के डिफिनेशन ब्रेक कहाँ पर हो रही है, एक बार दो पर, एक बार 10 पर,
तो सबसे पहले हम लेंगे एक बार दो पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना कि एक्स बराबर टू पर सबसे पहले, ठीक है। अब आप सबसे पहले निकालते क्या थे, या तो फंक्शन निकालते थे जो आपको दिया रहता था एफ ऑफ टू, इसके बाद निकालते थे आप क्या एल एच एल, ठीक है। ये दो चीज़ें आप निकालते थे सबसे पहले, इसके बाद आर एच एल निकालते। तो अभी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर देखना एफ ऑफ टू मतलब एक्स बराबर दो, तो एक्स बराबर दो पर क्या है फाइव है, तुरंत लिखो फाइव, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहते थे कि एल एच एल निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू दो से कम हो, ठीक है। यही तो एक्स की वैल्यू क्या हो, दो से कम हो। तो एक्स की वैल्यू दो से कम क्या है फाइव है ना, कांस्टेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एच की वैल्यू हमको रखना ही नहीं है, तो कांस्टेंट अगर है फाइव तो लास्ट में कितना आएगा फाइव ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं करेंगे, क्योंकि आप जब सॉल्व करते हैं तो कांस्टेंट ही आता, लास्ट में फाइव ही लिख देते वहाँ पर। तो फंक्शन और एल एच एल आपको पता चल गया, लेकिन आर एच एल अभी देखो, आर एच एल क्या कहता है कि एक्स की वैल्यू दो से बड़ी हो। तो एक्स की वैल्यू देखो दो से बड़ी यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर एक्स है तो हमको निकालना पड़ेगा, तो बिल्कुल निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन एल एच एल आपको समझ में आया होगा, आर एच एल में निकाल देता हूँ टाइम बेकार ना करते हुए। तो देखो लिमिट हो जाएगा एक्स टाइम्स टू हो जाएगा किसके, टू प्लस के, और एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा लिमिट एच टाइम्स टू जीरो और एफ ऑफ टू प्लस का एच। तो एक्स की वैल्यू दो से बड़ी, देखो दो से बड़ी यहीं पर आएगी, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर टू प्लस का एच रखेंगे, तो हो जाएगा लिमिट एच टाइम्स टू जीरो और ए तो रहेगा यहाँ पर, हो जाएगा टू प्लस का एच और प्लस का बी, ठीक है ये बी है। तो अब देखो कुछ हो नहीं सकता, या तो हम पहले ही मल्टीप्लाई करा दें या अंदर का बाद में ए से मल्टीप्लाई कराएं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो एच की वैल्यू जीरो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट हट जाएगा, ए बचेगा आपका टू है, टू रहेगा, लेकिन जो एच है अब जीरो हो जाएगा और प्लस का बी हो जाएगा। तो आगे देखना क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा केवल और केवल टू ए यहाँ और यहाँ पर बी। तो आपने देखा कि आर एच एल कितना है टू ए प्लस का बी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, टू ए प्लस का बी बराबर किसके फाइव के हो जाएगा, फंक्शन और एल एच एल बराबर, ठीक है। तो इसको मान लो अभी समीकरण नंबर एक, क्योंकि आपको क्या करना है ए और बी का मान ज्ञात करना है। यहाँ तक अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फाइव क्या था कि एल एच एल और फंक्शन बराबर था, तो टू ए प्लस बी बराबर फाइव हो गया। अब देखो एक्स बराबर दो पर हो गया, अभी हमको निकालना है एक्स बराबर दस पर। तो देखो एक्स बराबर टेन पर निकालते हैं, एक्स बराबर दस पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखना एल एच एल देखो यहाँ पर क्या है, देखो एक्स की वैल्यू दो से बड़ी ना, तो आर एच एल और फंक्शन बराबर रहेगा 21 पर, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन एल एच एल क्या कह रहा है कि एक्स की वैल्यू दो से कम, दस से कम हो, दस से कम, देखो दस से कम यहाँ पर आएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट एक्स टाइम्स टू टेन माइनस एफ ऑफ एक्स, हम क्या निकाल रहे हैं देखो एल एच एल निकाल रहे हैं, ठीक है अभी एल एच एल निकाल रहे हैं। तो हो क्या जाएगा, देखो लिमिट हो जाएगा एच टाइम्स टू जीरो और एफ ऑफ टेन माइनस का एच, ठीक है। एक्स की वैल्यू 10 से कम, तो देखो एक्स की वैल्यू 10 से कम यहाँ पर है, तो फंक्शन ये वाला, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर टेन माइनस का एच रखेंगे, तो हो जाएगा क्या लिमिट एच टाइम्स टू जीरो और ए रहेगा यहाँ पर, हो जाएगा टेन माइनस का एच और प्लस का बी आगे रहेगा, हो कुछ नहीं सकता। अब एच की वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा केवल और केवल ए इंटू में टेन प्लस का बी, तो बराबर आएगा टेन ए प्लस का बी के, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये प्लस है। अब देखना दोस्त क्वेश्चन यहीं पर कहता है कि अगर हम क्या निकालें, अब आर एच एल निकालते हैं, यही तो आर एच एल निकालते हैं, फिर हम क्या निकालते हैं फंक्शन निकालते हैं टेन पर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आर एच एल कहता क्या है कि एक्स की वैल्यू 10 से बड़ी हो, यही तो कहेगा। तो एक्स की वैल्यू 10 से बड़ी देखो कांस्टेंट है या 21, ठीक है, तो 21 डायरेक्ट आप लिख लेना, और फंक्शन भी एक्स बराबर टेन तो भी 21 आएगा, तो डायरेक्ट आप 21 लिख लेना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये 21 21 21 21 आपका क्या कर सकते हैं कि वही चीज़ क्या है आपका, देखो आर एच एल फंक्शन बराबर है और एल एच एल डिफरेंट है, तो करेंगे क्या टेन ए प्लस का बी जो है उसको बराबर किसके कर देंगे 21 के। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, बस आप इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर लिखना समीकरण वन माइनस का टू, ये चीज़ करना आप, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो टू ए प्लस का बी बराबर पाँच, तो टेन ए प्लस का बी इज इक्वल्स टू कितना 21। देखो माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पर देखो प्लस है माइनस प्लस है माइनस प्लस है माइनस कट गया,
ये देखो कट गया ना, तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का केवल और केवल 8 बचा, 8a। अब इधर कितना बचा, अगर आप घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 16। तो देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 16/8, तो 8 × 16, तो ए बराबर आपका आ गया केवल और केवल 2। तो ए और बी का मान पूछा है, तो ए की वैल्यू आ गई, चाहे आप यहाँ पर रख दें या चाहे यहाँ पर रख दें, किसी में रख दें। तो लिख लेना कि ए का मान एक में रखने पर, ठीक है, तो देखना 2 × 2 + का बी इज इक्वल्स टू 5, तो बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो 5 और 2 2 = 4, 4 हो जाएगा, उधर गया माइनस, तो बी इज इक्वल्स टू 1। तो ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू 1 आ गई। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 31। तब तक के लिए आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखा करो, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। मैं मिलता हूँ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।